हाय दोस्तों, नमस्कार। आइए एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल देवा एजुकेशंस में, और उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने पढ़ाई में चार चांद लगा रहे होंगे। मेरे मित्र, चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वह CHSL हो, चाहे SSC MTS हो, चाहे CGL हो, चाहे BEd इंट्रेंस एग्ज़ाम हो, किसी भी वन डे एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो आपके लिए बेहद मेरे मित्र आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्योग्राफी भूगोल के मेरे मित्र 400 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को, जिसमें आपका भारत का भूगोल और साथ ही साथ विश्व का भूगोल शामिल होगा। तो चलिए मेरे मित्र, देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो पे अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें वीडियो लाने के लिए बार बार प्रेरित करता है और हमें सपोर्ट देता है, ठीक है मेरे मित्र। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं, और आज हम बात करेंगे 400 मोस्ट ज़बरदस्त प्रश्नों की श्रृंखला आज इस वीडियो में, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे मेरे मित्र आ चुका है, जिसे हम बड़े प्यार से और बड़े आपके साथ के साथ, आपका साथ मिलेगा तो इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे, और इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मेरे मित्र हम आपके लिए और भी वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि केंद्रीय राज्य क्षेत्र पुंदुचेरी, जिसे हम पांडुचेरी के नाम से जानते हैं, के साथ यहाँ पे थोड़ा सा मिस गलती हो चुकी है मेरे मित्र, इसको काट सकते हैं आप, सीमा साझा नहीं है, ठीक है। तो वो आपका देखिए, जो पुंदुचेरी है, पांडुचेरी आंध्र प्रदेश के साथ, केरल के साथ, तमिलनाडु के साथ सीमा बनाता है, परंतु कर्नाटक के साथ सीमा नहीं बनाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे लिखा है, उदयपुर तथा भीलवाड़ा जिले में मिलने वाले खनिज कौन हैं? तो जस्ता है, सीसा है, चांदी है और तांबा है। राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम निकाला जाता है मेरे मित्र? तो सही जवाब आपका हो जाएगा बाड़मेर जिला, ऑप्शन नंबर डी। आगे लिखा है, कौन सा राज्य है देश जो कि राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर तथा श्री गंगानगर जिलों से लगा है? तो वो आपका नल्ला पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं राजस्थान राज्य का पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो वो है आपका भरतपुर, जिसे हम घाना पक्षी विहार के रूप में जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, रायसीना हिल कहाँ स्थित है मेरे मित्र? तो जो रायसीना हिल है आपकी, वो आपकी दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे? दिल्ली में स्थित है, लेकिन ऑप्शन तो कुछ ऐसा नहीं दिया है, लेकिन लिखा है कि जहाँ राष्ट्रपति भवन स्थित है। देखिए क्वेश्चन घुमाने का तरीका। आगे बढ़ते हैं, भारत के अंतिम स्थल पर स्थित रेलवे स्टेशन है? तो वो आपका कौन है? तो वो है आपका मेरे मित्र, वो है आपका कन्याकुमारी। कौन है? भारत के अंतिम स्थल पर पूछा है ना, एक मिनट, भारत के अंतिम स्थल पर रेलवे स्टेशन कौन है? तो मेरे मित्र आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कन्याकुमारी, ठीक है। बढ़ते हैं, पहाड़ी अंचलों में रेल मार्ग कौन से गेज का उपयोग करता है? तो नैरो गेज का उपयोग करता है। भारत का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन कहाँ स्थित है? तो वो आपका कोलकाता में स्थित है। कहाँ पे? कोलकाता में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता की मेट्रो रेलवे कब बनी? तो बनी 2010 में। अगला क्वेश्चन है, किस सन में छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश राज्य से अलग हुआ? तो वो हुआ सन 2000 में। याद रखेंगे, 1 नवंबर, 5 नवंबर और 9 नवंबर, ये तीनों डेट आपको मैं बताता हूँ, 1 नवंबर, 5 नवंबर और 9 नवंबर सन 2000। मतलब क्या हुआ? तो पहले दिन 1 नवंबर सन 2000 में छत्तीसगढ़ आपका अलग हुआ, फिर यहाँ पे उत्तराखंड अलग हुआ, और यहाँ पे आपका 9 नवंबर को झारखंड अलग हुआ, ठीक है, गठन वर्ष याद रखें। आगे लिखा है, चंडीगढ़ में रॉक गार्डन का निर्माण किसने किया? तो वो किया नेक चंद ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में समुद्री तट को छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो वो है आपकी 9। कितनी है? 9। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन आपके दिए हैं, मेरठ, गुड़गांव, अलवर और एक ऑप्शन दिया नहीं है, लिखा है इसमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा मेरे मित्र, इसमें से कोई नहीं। क्या होगा? इसमें से कोई नहीं, क्योंकि जो ये आपका स्थित है, ये आपका कहाँ स्थित है? तो ये आपका जयपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? जयपुर में स्थित है, ऑप्शन है, इसलिए इसमें से कोई नहीं हो जाएगा जवाब। जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो जारवा जनजाति पूछ रहा है, तो ये आप लगाएंगे लक्षद्वीप में जनजाति पाई जाती है। भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रों की दृष्टि से? तो सबसे पहले मेरे मित्र आपको बता दूँ कि सबसे पहले राजस्थान आता है, उसके बाद मेरे मित्र MP आता है, और उसके बाद आपका महाराष्ट्र आता है। कौन आता है? महाराष्ट्र आता है। तो आपका ऑप्शन के हिसाब से पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान। बढ़ते हैं, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो दक्षिणतम बिंदु की बात करता है तो वो आपका हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? तो पश्चिमी तट से भारत ये है, भारत का पश्चिमी तट तो यही है मेरे मित्र, ये पूर्वी तट है, ये पश्चिमी तट है, तो पश्चिमी तट को हम क्या कहते हैं? तो आप इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा कोंकण तट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोंकण तट कहते हैं। ऊपरी मृदा की अधिकतर मात्रा बनाई गई है, किससे बनी है? तो ये बनी है जैविक अभ्रंशन द्वारा।
सिंह लीला राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो जो सिंह लीला है मेरे मित्र, ये आपके किस राज्य में स्थित है? तो आप बताएंगे कि सिंह लीला जो है मेरे मित्र, वो आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। मूंगा किस्म का रेशम किस राज्य का मूल उत्पाद है? तो आप बताएंगे यह असम का मूल उत्पाद है। कहाँ का? असम का मूल उत्पाद है। इनमें से किस राज्य में हाल ही में प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार का पता चला है? तो राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में पता चला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि वायुमंडल न हो तो आकाश का रंग काला होगा। बिल्कुल सही बात, आप सब जानते हैं। गन्ने का अधिकतर उत्पादन करने वाला प्रदेश है, तो गन्ना सर्वाधिक कहाँ होता है? तो आप बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन से नगर गंगा के तट पर स्थित है? तो मेरे मित्र आपको पता होगा, वाराणसी है, कानपुर है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएंगे, ठीक है, डी लगा सकते हैं। आगे देखेंगे, भारतीय प्रायद्वीपीय ब्लॉक की केंद्रीय उच्च भूमियाँ बनी हुई हैं, किससे बनी हुई है मेरे मित्र? तो आप इसका सही जवाब बताएंगे कि ये बनी है आग्नेय और कायांतरित शैलों के द्वारा। मेरे मित्र हम डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे ये आपको दिक्कतें नहीं होंगी कि आपका टाइम ज़्यादा नहीं लिया जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है और बीएड इंट्रेंस एग्जाम जो कि बहुत नज़दीक है उसके लिए रामबाण साबित होगा। तो मेरे मित्र ये थोड़े इजी क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे तरीके से देखें, ठीक है। वैसे एसएससी के लिए कहा जाए तो क्लास उतनी अच्छी नहीं है, मैं सच्चाई बताता हूँ, लेकिन ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी अभी देखेंगे आगे, क्वेश्चन और अच्छे अच्छे पड़े हुए हैं, ठीक है। आगे लिखा है, कौन सा नवीनकरणीय संसाधन है? तो मेरे मित्र वो है आपका वन, ऑप्शन नंबर डी। किसी मरुभूमि में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, कैसे रोका जाएगा? तो मेरे मित्र आप बताएंगे कि भैया वो रोका जा सकता है आपका पेड़ लगाकर। कैसे? पेड़ लगाकर रोका जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो आप बताएंगे जो गुरु शिखर चोटी है मेरे मित्र, ये किस राज्य में? तो आपका गुजरात में स्थित है। भारत में निम्नलिखित में से किस शहर को सबसे अधिक हरा माना जाता है? तो चंडीगढ़ को माना जाता है। किसे? चंडीगढ़ को माना जाता है। इडुक्की जल विद्युत संयंत्र किस नदी पर स्थित है? तो आप बताएंगे ये आपका पेरियार नदी और कर्नाटक। कहाँ पे? कर्नाटक में स्थित है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, पेड़ों के वलय पर बढ़ते हुए हिमनद का क्या प्रभाव होता है? तो वो मेरे मित्र संकेंद्रीय हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? संकेंद्रीय हो जाते हैं। इनमें से कौन सा जिला बीकानेर संभाग में नहीं है? तो आप बताएंगे नागौर जिला आपका नहीं है। बजेड़ा किसे कहते हैं? बजेड़ा जो होता है मेरे मित्र, वो पान की खेती को कहा जाता है। किसको? पान की खेत को आपको बजेड़ा कहते हैं। आगे लिखा है, निम्नलिखित में से लंबी गुफा किस राज्य में है? तो मेघालय में स्थित है लंबी गुफा की। कहाँ पे? मेघालय में। कर्नल डिक्सन द्वारा स्थापित शहर कौन सा था? तो मेरे मित्र आप बताएंगे ब्यावर, अजमेर में ये शहर है जिसे कर्नल डिक्सन ने स्थापित किया था। बांसगांव व डूंगरपुर के मध्य में पूर्व के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो मेरे मित्र आप बताएंगे कांठल के नाम से जाना जाता है। राजस्थान सरकार ने किन दो शहरों को महानगर घोषित किया? तो सही जवाब हो जाएगा जयपुर एवं जोधपुर को घोषित किया है। आगे लिखा है, राजस्थान में तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका झुंझुनू में होता है। जून माह में सूर्य किस जिले में लंबवत चमकता है? तो आप बताएंगे मेरे मित्र सही जवाब हो जाएगा बांसवाड़ा में। इसका रीजन यह है कि सूर्य बिल्कुल आपका उत्तरी गोलार्ध में होता है। आगे लिखा है मेरे मित्र, वर्षा, एक मिनट, कौन सा कथन असत्य पूछा है? असत्य लिखा है, वर्षा का जल रेतीली मिट्टी में शीघ्र विलीन नहीं होता है। मेरे मित्र ये तो बिल्कुल आपका क्या लिखा है? शीघ्र विलीन नहीं होता है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन लिखा है कि राजस्थान की घग्गर जैसी नदी भी मिट्टी में विलीन हो गई है। नहीं भैया, ऐसा तो हो नहीं सकता। राजस्थान के अधिकांश भागों में बलुई मिट्टी पाई जाती है और बलुई मिट्टी पानी को सोख लेती है। तो मेरे मित्र ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर तीन, ऑप्शन नंबर चार सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर दो गलत है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में लाल पत्थर निकाला जाता है तो कहाँ से? तो करौली से निकाला जाता है, जहाँ पे नीम करौली बाबा का नाम आपने सुना होगा। आगे लिखा है, राजस्थान में काले हिरण व कुंजरा पक्षी के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन है? तो तालछा पर अभयारण्य ये हिरण और कुंजरा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। आगे लिखा है, भारत के पश्चिमी तट का दक्षिणी भाग जाना जाता है तो पश्चिमी तट का दक्षिणी, अब देखिए क्वेश्चन बदल दिया, ऐसे पश्चिमी तट होगा, इधर तो पश्चिमी तट है और पश्चिमी तट का जो दक्षिणी भाग है ये वाला, ये किस नाम से? तो बात वही है, कोकर तट इसे भी कहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, खरीफ की फसल कौन है? तो मेरे मित्र तीन फसलें होती हैं, रबी की, जायद की और खरीफ की। रबी, खरीफ और जायद, ठीक है। तो मेरे भी तो ककड़ी खीरा आपका जायद में आता है, जो इस समय अभी जून के महीनों में जो बोया जाता है। रबी का मतलब जो आपके नवंबर दिसंबर के आसपास बोए जाते हैं, जैसे गेहूं हो गया, ठीक है, जौ हो गया, ठीक है। और खरीफ की फसल आपकी होती है जैसे आपका क्या हो गया, चावल हो गया, ये आपका खरीफ की फसल है, ठीक है। तो आपकी खरीफ की फसल पूछा है ना, तो चावल आपका सही जवाब हो जाएगा। वह राज्य जहाँ सुल्तानपुर पक्षी भी आया, तो उत्तर प्रदेश सही जवाब हो जाएगा मेरे मित्र। आगे बढ़ेंगे, कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो कर्नाटक में होता है। कौन सा धात्विक अयस्क है? तो मेरे मित्र सही जवाब हो जाएगा बॉक्साइट। क्या हो जाएगा? बॉक्साइट। निम्नलिखित में से किस राज्य को बिहार का शोक कहते हैं? तो कोसी को कहते हैं। किसको कहते हैं? कोसी को कहते हैं बिहार का शोक। और आगे लिखा है, कौन सा जोड़ा सही है? तो मेरे मित्र ऑप्शन दिया है, असम की राजधानी देना ईटानगर, बिल्कुल गलत है,
ठीक है। असम की राजधानी कहाँ पे है, तो दिसपुर है। ईटानगर कहाँ की है, तो बता सकते हैं ईटानगर भैया आपका कहाँ की है, या आपको इसका या आपको कमेंट करके बताना ईटानगर कहाँ की राजधानी है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी गुवाहाटी दे रहा है, नागालैंड की शिलांग दे रहा है, और मिजोरम की आइजोल दे रहा है। तो देखिए मिजोरम तो बिल्कुल सत्य है, आइजोल नागालैंड गलत दिया है, और गुवाहाटी भी गलत दिया है। तो नागालैंड की राजधानी हो जाएगी आपकी कहाँ हो जाएगी, मेरे में शिलांग नहीं होगी, ये हो जाएगी आपकी नागालैंड की राजधानी काहिरा हो जाएगी। कहाँ पर हो जाएगी, काहिरा हो जाएगी, जिसे हम कोहिमा भी नाम से जानते हैं। आगे बढ़ेंगे, भारत का गुलाबी शहर दुनिया बच्चा बच्चा जानता है जयपुर। आगे लिखा है, इस निम्नलिखित में से क्या तिलहन है, तो सरसों आपका सही जवाब हो जाएगा। मसाला बगीचा राजस्थान के किस शहर को कहते हैं, तो कोटा को कहते हैं। भारत के सबसे बड़ी नमकीन पानी की झील कहाँ पर स्थित है, मतलब खारे पानी की झील आप कह सकते हैं, तो वो है आपकी चिल्का। कौन है, चिल्का है। हिमालय का यू क्या है, तो मेरे मित्र एक औषधीय पौधा है। यू क्या है, एक औषधीय पौधा है। आगे लिखा है, अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी या सैंडल पिक कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे उत्तरी अंडमान में स्थित है। कहाँ पर, उत्तरी अंडमान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजस्थान जिला में कामेश्वरी तेल पाया जाता है, तो कामेश्वरी जो तेल है मेरे मित्र वो कहाँ पाया जाता है, तो आप बताएंगे कि ये बाड़मेर जिले में पाया जाता है। वर्षा जल का शुद्धम रूप राजस्थान के में किस नाम से जाना जाता है, तो उसे पालर पानी के नाम से जानते हैं राजस्थान में। राजस्थान के किस शहर में आईआईटी की शुरुआत की गई, तो कोटा में की गई। निम्नलिखित तंत्रों में से किस एक में भारत का प्राचीनतम शैल समूह है, तो मेरे मित्र सही जवाब आपका हो जाएगा 60 का ऑप्शन नंबर एक, अरावली तंत्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, प्रायद्वीपीय भारत की काली मृदाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है, तो मेरे मित्र याद ध्यान से देखेंगे तो काली मिट्टी में नमी की धारणशीलता होती है, उर्वरक और गन्ना उत्पादन में उपयुक्त होता है, फास्फोरस, अगला ऑप्शन क्या है, फास्फोरस और जैविक तत्व की समृद्धि भी होती है, परंतु जो पहला है ना कि लोहा चूना एवं पोटास से समृद्ध होता है, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्क रेखा से के निकटतम है, तो मेरे मित्र जो कर्क रेखा के निकटतम है वो आपका कौन राज्य है, तो वो आपका हो जाएगा आइजोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आइजोल हो जाएगा। बृहत्तर या ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम आपको पता है हिमाद्री है, और किसी झील की तली में अवरुद्ध जल को क्या कहते हैं मेरे मित्र, तो हम कहते हैं उसे क्या कहते हैं, मध्यसर कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे मित्र, मध्यसर कहते हैं। आगे, भारत में व्यापक रूप से काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो मेरे मित्र जो काली मिट्टी है वो आपका दक्कन के पठार में पाई जाती है। कहाँ पे, दक्कन के पठार में। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो ये आपका चित्रकूट जो जलप्रपात है मेरे मित्र ये आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी महानदी की सहायक नदी है, तो वो है आपकी कौन, शिवनाथ है, ठीक है। भीमा मूसी आपकी नर्मदा की है, ठीक है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से बेमेल बताना है, बृहस्पति बुध और शनि आपके ग्रह हैं, लेकिन सूर्य क्या है, बेमेल है, यह ग्रह नहीं है बल्कि तारा है। लोहे का शुद्धतम रूप क्या है, तो मेरे मित्र ये आपका है कच्चा लोहा, ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, इस बात आपका ये इसके अयस्क है। आगे लिखा है, केटू कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे कराकोरम श्रेणी में केटू स्थित है, ठीक है। हेमकुंड साहिब में स्थित है, हेमकुंड साहिब कहाँ स्थित है मेरे मित्र, आप बताएंगे यह आपका उत्तराखंड में स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य में नीम वृक्ष को राज्य वृक्ष माना गया है, तो आंध्र प्रदेश में माना गया है। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में माना गया है। समुच्च सेना रेखा समान के स्थलों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा है, तो समान उच्चता वाले स्थलों को जोड़ने वाली यह रेखा कहलाती है, और काल्पनिक रेखा है कौन, समुच्च रेखा समान उच्चता के स्थलों को जोड़ती है, ठीक है। बलुई पत्थर किसमें रूपांतरित हो जाती है मेरे मित्र, तो बलुई पत्थर जो है मेरे मित्र वो आपका क्वार्टर्स में रूपांतरित हो जाती है। भारत का कौन सा प्रथम राज्य है जिसने खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा मेरे मित्र वो हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। आगे लिखा है, पवन वेग, जो पवन का वेग है मेरे मित्र किससे संबंधित है, दाब प्रवणता से संबंधित है, किससे, दाब प्रवणता से संबंधित है। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ कौन है, तो गंगा है, कावेरी है, और आपकी महानदी है मेरे मित्र ऑप्शन नंबर सी। हम्पी के किस राज्य में स्थित है, तो बच्चा बच्चा जानता है, कहाँ पे है, कर्नाटक में स्थित है। आगे लिखा है, अलमाटी बांध किस नदी पे बना है, तो ये आपकी कृष्णा नदी पे बना है और कर्नाटक में बना है। कहाँ पे बना है, कर्नाटक में बना है, इसे आप याद रखेंगे। आगे बात करते हैं, कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है, तो वह है आपकी जैविक खेती। कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है, कोरबा आपका कहाँ स्थित है मेरे मित्र, या कहाँ पे अवस्थित है, तो आप बताएंगे छत्तीसगढ़ में है। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है, तो आप बताएंगे झारखंड, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किस राज्य की अन्य देशों से भौगोलिक सीमाएं नहीं जुड़ी हैं, तो वो है मेरे मित्र आपका, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है आपका हरियाणा। कौन है, हरियाणा, क्योंकि ये सीमाओं के अंदर है, बॉर्डर पे नहीं है। अगले लिखा है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, तो वो है आपका कहाँ पे, बिहार है। क्या है मेरे मित्र, बिहार है।
रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है तो अब बताएंगे महाराष्ट्र में। रेगुर मिट्टी को हम काली मिट्टी के नाम से जानते हैं और यह आपके कपास के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार को स्पर्श नहीं करती है? तो बिहार जो है मेरे मित्र वो आपका झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश से करता है, लेकिन मध्य प्रदेश से टच बिहार नहीं करता है। मखाना की खेती हेतु अग्रणी जिला कौन है? तो मधुबनी बिहार का जिला है। कहाँ का है? बिहार का जिला मखाना के लिए बहुत ही फेमस है। लक्षद्वीप टापू स्थित है? तो जो आपका लक्षद्वीप है मेरे मित्र ये कौन कहाँ पर टापू है? तो ये आपका बंगाल की खाड़ी में। भारत के किसी ठंडे मरुस्थल क्षेत्र का नाम बताएं? तो सही जवाब हो जाएगा आपका लद्दाख। क्या हो जाएगा? लद्दाख। किस राज्य में साक्षरता में सर्वोच्च दशक 2001-2011 की विकास पर दर्ज की है? तो सही जवाब हो जाएगा बिहार। अब कुछ लोग यहां पे कंफ्यूजन में होंगे कि बिहार तो पीछे है, लेकिन ये बिहार क्यों बताया जा रहा है? इसका रीजन मेरे मित्र ये है, क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन में लिखा है साक्षरता में सर्वोच्च दशक 2001-2011 की विकास किसमें हुई है? विकास मतलब कि बिहार पहले बहुत ही पीछे था, लेकिन अब इसमें विकास हुआ है। सर्वाधिक विकास बिहार में ही हुआ है। आगे बढ़ते हैं। लक्षद्वीप समूह किस प्रकार के द्वीप हैं? तो मेरे मित्र जो लक्षद्वीप है आपका वो कैसा द्वीप है? तो आप बताएंगे कि इसका ये जो आपका है वो कैसा द्वीप है? तो ये है आपका प्रवाल द्वीप है। कैसे हैं? प्रवाल द्वीप। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अरब सागर में पलायन नहीं करती है या गिरती नहीं है? तो आप बताएंगे पेन्नार नदी है जो आपके अरब सागर में नहीं गिरती है। पेरियार, त्रेतावती और पंबा गिरती है। काफ़ी की खेती किस पहाड़ियों में सीमित है? तो आप बताएंगे काफ़ी की जो खेती होती है वो सह्याद्री पहाड़ी में सीमित है। आगे लिखा है मेरे मित्र नम पर्णपाती जंगल वन कहाँ पाए जाते हैं? तो मेरे मित्र जो नम पर्णपाती जंगल वन है तो ये आपके जंगल कहाँ पाए जाते हैं? तो आप बताएंगे ये आपके सहरसा और पूर्णिया जिला में पाए जाते हैं। पूर्णिया एक बिहार का जिला है, ठीक है। पूर्णिया जो हमें पूर्णिया पढ़ के हमें एक मेरे दोस्त का याद आया, वो मेरा दोस्त पूर्णिया का ही है, ठीक है, आनंद, जो कि SSC सीजन में उसका चयन हुआ है मेरे मित्र का, उसे हार्दिक बधाई देता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 95 चेन्नई एवं विशाखापट्टनम को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है? तो चेन्नई और विशाखापट्टनम को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है? तो NH5 जोड़ता है, ठीक है, नेशनल हाईवे 5 जोड़ता है। किसे? विशाखापट्टनम और चेन्नई को। आगे लिखा है कौन से बिहार में उत्पादित खनिज हैं? कौन से बिहार में उत्पादित खनिज हैं? तो मेरे मित्र आप बताएंगे कि ये इसका सही जवाब हो जाएगा चूना पत्थर, क्वार्टस और पायराइट। आगे लिखा है सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन है? तो बताएंगे गोविंद सागर। तिलैया, मैथान, ये मैथान लिखा है, मैथान समझिए, पंचेत और कोनार बांधों को किस नदी पर बनाया गया है? तो मेरे मित्र ये जो आपके बांध हैं ये सारे बांध आपके दामोदर नदी पर बने। कहाँ पर बने हैं? दामोदर नदी पर बने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक गेहूँ उत्पादन राज्य है? तो याद रखें गेहूँ उत्पादन में सबसे ऊपर आपका कौन है? उत्तर प्रदेश है। उसके बाद यूपी के बाद आपका कौन है? तो यूपी के बाद आपका पंजाब है और पंजाब के बाद आपका हरियाणा है। लेकिन यहाँ पे तो ये ऊपर के दोनों ऑप्शन दिए ही नहीं है, इस प्रकार आपका हरियाणा सही जवाब हो जाएगा। पढ़ चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य ने सरकार ने मिशन सेफ्रान नामक परियोजना आरंभ की है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। किसने? हिमाचल प्रदेश। मूल पेरियार बांध के मसले में निम्नलिखित में से किस राज्यों में से जो जोड़े हैं वो सही है, ये पूछ रहा है। तो मेरे मित्र इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा केरल, तमिलनाडु, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अलकनंदा और पिंडार नदियों के संगम पर स्थित कौन सा अवस्थित है? मतलब अलकनंदा और पिंडार नदी जहाँ पे मिलती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कर्णप्रयाग के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? कर्णप्रयाग। धान का पुष्पक्रम क्या कहलाता है? तो पुष्प गुच्छ कहलाता है मेरे मित्र, याद रखेंगे। गेहूँ की सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था क्या है? तो इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है मेरे मित्र वो है आपका क्राउन रूट समारंभ, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल को पानी की जरूरत सबसे कम होती है? तो वो आपका होता है कौन? तो वो आपका होता है गेहूँ। गेहूँ में आप एक पानी दे दें तो काम जाता है, ठीक है, या फिर कभी कभी मौसम से बरसात हो जाती है तो नहीं देना पड़ता है, ठीक है। आगे लिखा है दक्षिणा पथ के रूप में सुख्यात प्राचीन व्यापार मार्ग जोड़ता था, तो कौन जोड़ता था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा मेरे मित्र वो हो जाएगा आपका अजंता को अरिक मेडू से। किसे जोड़ता था? अजंता को अरिक मेडू से जोड़ता था। आगे लिखा है कौन से कथन सही हैं? तो मेरे मित्र इसका लिखा है गोंडवाना तंत्र के अवसाद समुद्री दशा में निपचित हुए, गोंडवाना तंत्र के शैल जीवाश्ममय हैं। इसका थोड़ा सा मेरे मित्र इस प्रश्न का आप जवाब देने की कोशिश करेंगे। ये प्रश्न थोड़ा सा हमें दिक्कत कर रहा है, इसलिए आप इसको देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन बहुत सारे दिए हैं और कौन सा होगा आप इसे कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ। कौन सा सही नहीं है? लिखा है शिलांग पठार भारतीय प्रायद्वीपीय पठार का पुरानतः साई है, अरावली पर्वत भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, विंध्य वलय पर्वत के उदाहरण है, राजमहल उच्च भूमि लावा निपेक्षों से संगठित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे मित्र ऑप्शन नंबर सी, विंध्य वलय पर्वत के उदाहरण, सॉरी कौन सा सही नहीं पूछा है, तो यही सवाल आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उज्जैन स्थित है? उज्जैन कहाँ स्थित है? तो बताएंगे उज्जैन जो है मेरे मित्र वो छिप्रा नदी के तट पर स्थित है।
किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? तो मेरे मित्र गेहूं और गन्ना में यूपी अपना बहुत ही आगे है, याद रखेंगे। स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राष्ट्रीय राजमार्ग से। आगे लिखा है मेरे मित्र कि विंध्य शैलों में जिसके बृहद भंडार पाए जाते हैं वह क्या है? तो आप बताएंगे सही जवाब हो जाएगा चूना पत्थर। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादन कौन सा राज्य है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा मेरे मित्र वो हो जाएगा आपका जो सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संसाधनों का सफलतापूर्वक सतर्कतापूर्वक उपयोग करना तथा उसे नवीकरण के लिए समय देना क्या कहलाता है? तो आप बताएंगे संसाधन संरक्षण कहलाता है। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो दुनिया जानती है रिएक्टर पैमाने से मापी जाती है। और क्वेश्चन नंबर 116 की तरफ बढ़ते हैं। रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिसमें पाया जाता है, क्या पाया जाता है? तो चट्टानों की उम्र निकालते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अन्ना हजारे से संबंधित रालेगन स्थित सिद्धि नामक प्रसिद्ध गांव किस राज्य में स्थित है? अभी अन्ना हजारे से आपको आप जानते होंगे तो ये है आपका महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ताट पानी गर्म पानी का झरना इस राज्य में किस जिले में बहता है? तो आप बताएंगे इसका सही जवाब हो जाएगा बलरामपुर जिले में बहता है। दक्कन का पठार पूर्व एवं पश्चिम में किस पहाड़ से घिरा हुआ है मेरे मित्र? तो आप बताएंगे घाट पहाड़ से घिरा हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल सबसे कम है? जहाँ आंसर के साथ देखेंगे तो आपका सही जवाब हो जाएगा गोवा। क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। भारत में टीन अयस्क का अग्रणी उत्पादन होता है, तो मेरे मित्र अग्रणी उत्पादन जो टीन का उत्पादन कौन करता है? तो आप बताएंगे इसका सही जवाब आपका हो जाएगा दंतेवाड़ा। कहाँ पे? दंतेवाड़ा सर्वाधिक उत्पादन करता है। अन्ना हजारे ने गांव का नाम क्या था जिसे एक आदर्श ग्राम की तरह विकसित किया गया? तो मेरे मित्र इसका सही जवाब आपका हो जाएगा आपका रालेगन सिद्धि। अभी पीछे देखा आपने रालेगन सिद्धि। टाइटन सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है, किसका है टाइटन किसका है? तो आप बताएंगे शनि ग्रह का है। सूर्य ग्रहण होता है जब? भैया आपको पता है सूर्य ग्रहण कब होता है? जब मेरे मित्र सूर्य ग्रहण जो होता है आपका जब चंद्रमा सूर्य तथा पृथ्वी के बीच आ जाता है। देखिए मान लीजिए चंद्रमा है और इधर पृथ्वी है और इधर आपका सूर्य है, तो जब इसके बीच में कौन आ जाएगा? चंद्रमा आ जाएगा। तो आपका क्या होगा? तो मेरे मित्र ये आपका हो जाएगा सूर्य ग्रहण। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। भारत में ग्रीष्म मानसून का सामान्य सीधा प्रवाह क्षेत्र कौन है? तो मेरे मित्र आप बताएंगे इसका सही जवाब तो दक्षिण पश्चिम से पूर्व उत्तर पूर्व। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? लिखा है अवध का पुराना नाम लखनऊ था, सही है। वन भूमि का पुराना नाम यहाँ पे वाराणसी दे रहा है मेरे मित्र, यही गलत लग रहा है। प्रयाग का नाम भी इलाहाबाद और पाटलिपुत्र का नाम भी पटना था, तो ये आपका बिल्कुल गलत दे रहा है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चढ़ते हैं मेरे मित्र। किस राज्य में गंगा नदी अधिकतम मेरे मित्र लंबाई प्रवाह करती है? किस राज्य में गंगा ज़्यादा जाती है? तो आप बताएंगे कि अपने यूपी में जाती है। ठीक है, वह राज्य भारत के काफी एवं सिल्क के उत्पादन में 70% का योगदान देता है, तो राज्य का नाम बताएं? तो सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक। आगे लिखा है मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में स्थित था? इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय विवाद के मध्य है। सर्वोच्च न्यायालय के इस मामले के लिए किसने कमेटी नियुक्त की? तो यहाँ पे तीन क्वेश्चन आपके तैयार होंगे, तो ये मेरे मित्र याद रखेंगे इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मेरे मित्र देखिएगा। तो पेरियार आपको पता है पेरियार बांध कहाँ है? तो केरल में ही होगा। ठीक है, अच्छा इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय विवाद किसके किसके मध्य होगा? तो केरल तो रहेगा ही, तो केरल और तमिलनाडु हो जाएगा। और भैया इसके लिए न्यायाधीश एस आनंद जी ने कमेटी नियुक्त किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 130 भारत में इलायची उत्पादन में सबसे आगे कौन प्रदेश है? तो ऑप्शन के हिसाब से तो सारे ऑप्शन गलत हैं, तो ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें से कोई नहीं। इसका जवाब आप जानना चाहते हैं तो इसका जवाब हो जाएगा कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक में इलायची सबसे ज़्यादा होता है। आगे बढ़ते हैं। काइबुल लाइजमो जिसको बोलते हैं विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ पे है? तो आप बताएंगे यह मणिपुर में। कहाँ पे मेरे मित्र? मणिपुर में। पूर्व एवं पश्चिमी कॉरिडोर जो राष्ट्रीय राजमार्ग में सम्मिलित है संबंध करता है किसको मेरे मित्र? तो बताएंगे सिलचर से पोरबंदर। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से कौन सा खनिज कन्याकुमारी के समीप काली रेत में पाया जाता है? तो वो मेरे मित्र कौन है? तो आप बताएंगे बेरिलियम है। कौन है? बेरिलियम है। आगे लिखा है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ पे है? तो भारत का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो आपका कहाँ पे है? कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक में है, जिसे हम गरसोप्पा जलप्रपात के नाम से जानते हैं। भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं किंतु उसके किसी भी जिले की सीमा उसके अन्य किसी जिले के सीमा से नहीं लगती है? तो मेरे मित्र बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पुंदुचेरी। क्या हो जाएगा? पुंदुचेरी या पांडुचेरी भी आप कह सकते हैं। दक्कन मार्ग निम्नलिखित में से किसके बीच में स्थित है? जो दक्कन मार्ग है मेरे मित्र यह दक्षिण और छोटा अंडमान के बीच में स्थित है। आगे लिखा है भारत में विश्व की पृथ्वी की सतह का परसेंट कितना है? तो भारत में विश्व की पृथ्वी की मतलब भारत कितना परसेंट है पूरे विश्व का, कहने का मतलब यही है। तो यह हो जाएगा आपका 2.4%। ठीक है, लगभग।
आगे लिखा है कि लक्षद्वीप द्वीप समूह जलाशय निम्नलिखित जलाशय में से किसमें स्थित है, तो लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है ये बताना है मेरे मित्र, तो आपका अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग राजधानी क्षेत्र में हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा जिला जोड़ा गया, तो आप बताएंगे जो जिला जोड़ा गया वो भिवानी जोड़ा गया है। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्र, एक मिनट सॉरी गलती हो गई, भिवानी नहीं, हाँ भिवानी के साथ साथ मेरे मित्र मैं हमने पूरा ऑप्शन देखा नहीं अच्छे से, तो भिवानी के साथ साथ महेंद्रगढ़ भी जोड़ा गया है और मेरे मित्र आपका जींद भी जोड़ा गया है, तो ये आपके तीनों जोड़े गए हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर नीचे दिया गया है, तो कौन होगा ये नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा सही जवाब, ठीक है ऑप्शन नंबर बी। आगे लिखा है मेरे मित्र कि सतही जल संसाधन सबसे अधिक किसमें है, तो गंगा के मैदानी क्षेत्रों में, कहाँ पे गंगा के मैदानी क्षेत्रों में। रेगिस्तान नखलिस्तान से बनाया है पेयर, तो सागर का किसे बनाएगा आप बताने की कोशिश करेंगे, तो ये सागर का पेयर बनेगा मेरे मित्र नदी से, किसे बनेगा नदी से बनेगा। आगे लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा मैनग्रोव वनों का एक उदाहरण है, मैनग्रोव वनों का एक उदाहरण कौन है, तो आप बताएंगे सुंदर वन है, कौन है सुंदर वन है। चार मीनार स्थित है, चार मीनार मेरे मित्र कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे चार मीनार आपका हैदराबाद में स्थित है। आगे लिखा है मेरे मित्र भारत का सर्वाधिक ठंडा स्थान क्या है, तो भारत का जो सर्वाधिक ठंडा स्थान है वो आपका लेह है, क्या है लेह है। भारत का सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर कौन है मेरे मित्र, तो आप बताएंगे कि भैया इसका जो सही हो जाएगा गाडविन आस्टिन होगा, जिसे हम K2 भी कह सकते हैं, और विश्व का पूछेगा तो आप माउंट एवरेस्ट बताएंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है मेरे मित्र, तो सही जवाब हो जाएगा गोदावरी को, ठीक है। आगे लिखा है तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य है, तो तेलंगाना आपका भारत का 29वां राज्य है, ठीक है 29 वाला। आगे लिखा है बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ, तो 1905 में हुआ, आपको पता होगा। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं का सबसे मुख्य कारण क्या है, तो मेरे मित्र सबसे बड़ा जो यहाँ का मुख्य कारण है वो है आपका बादल का फटना, यहाँ पे बादल बहुत फटते हैं, ठीक है बादल फटना मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है। आगे लिखा है मेरे मित्र विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो मेरे मित्र 27 मार्च को वानिकी दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो मेरे मित्र आपको पता होगा 22 मार्च को हम विश्व जल दिवस मनाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्र वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है, तो 1 से 7 अक्टूबर तक आपका वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। एल्पाइन वन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं, एल्पाइन जो वन है मेरे मित्र ये आपका कहाँ पाया जाता है, तो आप बताएंगे नदी के डेल्टाई क्षेत्रों में पाया जाता है। आगे लिखेंगे खरीफ की फसल क्या है, अभी पीछे बता के आ चुके हैं, तो खरीफ की फसल आपकी चावल है, आपको पता होगा। निम्नलिखित में से प्रमुख तिलहन की उत्पादन कौन करता है, तिलहन उत्पादन में आगे कौन है ये बताना है, तो बताएंगे तिलहन उत्पादन में आपका राजस्थान सबसे आगे है, ठीक है याद रखेंगे। आगे किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे गोदावरी को कहते हैं। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए देश में कितने भूभाग पर वन होना चाहिए, तो मतलब वन कितने जरूरी हैं, तो आप बताएंगे भैया ये 33% वन होने चाहिए, ठीक है। ठीक है मेरे मित्र आगे बढ़ते हैं और आगे की तरफ बात हम करते हैं मेरे मित्र, आपका जो अगला क्वेश्चन है चाय का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आप बताएंगे जो चाय का वैज्ञानिक नाम है मेरे मित्र वो है कैमेलिया साइनेनिस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भारत का पहला सौर शहर कौन है, तो जो भारत का पहला सौर शहर है मेरे मित्र 159 आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन जो है, ठीक है, तो आप बताएंगे जो पहला सौर आपका सौर शहर है वो कौन सा है, तो ये सही जवाब हो जाएगा आनंदपुर साहिब, ठीक है। बढ़ते हैं आगे प्रायद्वीपी भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनाई मुड़ी, कौन होगा अनाई मुड़ी। अगला क्वेश्चन है मेरे मित्र कि किसी चट्टान को स्व स्थान पर तोड़ देना क्या कहलाता है, तो आप बताएंगे कि उसे अपक्षय कहते हैं, क्या कहते हैं अपक्षण कहते हैं या, ठीक है। आगे बढ़ते हैं राजस्थान में किस वर्ष रेगिस्तान विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई, तो मेरे मित्र ये आपकी शुरुआत की गई 77-78 में, तो याद रखेंगे। बढ़ते हैं राजस्थान के किस जिले में अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर है, ठीक है, तो वो है आपका किस जिले में, तो आप बताएंगे सिरोही जिले में, कहाँ पे है सिरोही जिले में। आगे लिखा है राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या का सबसे कम घनत्व है, तो आप बताएंगे कहाँ पे है, तो वो है जैसलमेर में, कितना है मेरे मित्र तो 17 है, आप याद रखेंगे, ठीक है। राजस्थान के कितने जिले किसी राज्य या देश की सीमाओं को छूते नहीं हैं, तो आप बता सकते हैं मेरे मित्र, तो 8 जो हैं 8 जिले ऐसे हैं जो अंदर हैं वो छूते नहीं हैं, किसी भी राज्य से स्पर्श नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है 2012 के आरंभ जल सत्याग्रह किस बात से संबंधित है, तो आप बताएंगे ये किस बात से, तो ओंकारेश्वर बांध से संबंधित है। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बता देंगे कि ये 30 मार्च को मनाया जाता है। भारत में राजस्थान का क्षेत्र कितना परसेंट है, भारत में राजस्थान का क्षेत्र कितना परसेंट है, तो आप बताएंगे राजस्थान का जो मेरे मित्र क्षेत्र है वो है आपका कितना, लगभग 10.4 है, कितना है 10.4 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरे मित्र कौन सा शहर भारत के भौगोलिक केंद्र के सबसे समीप है, तो बताएंगे वो है आपका नागपुर, कौन है नागपुर। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका असम में, कहाँ पे असम में।
देश का पहला महिला डाकघर कहाँ स्थित है मेरे मित्र? महिला डाकघर कहाँ पर स्थापित है? तो वो है आपका पटना में। कहाँ पर है? तो वो है आपका पटना में। केंद्रीय शासित प्रदेश लक्षद्वीप का मुख्यालय कहाँ है? तो लक्षद्वीप का जो मुख्यालय है मेरे मित्र वो है करवत्ती में। कहाँ पे है? करवत्ती में है। उत्तर प्रदेश में साइबर सिटी कहाँ स्थित है? तो जो साइबर सिटी है मेरे मित्र वो है आपका कहाँ पे? तो वो है आपका कानपुर में। आगे लिखा है सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानिस राम किस राज्य में स्थित है? तो जो मानिस राम है मेरे मित्र वो है आपका मेघालय में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो मेरे मित्र भारत का जो विश्व में स्थान पूछ रहा है तो वो हो जाएगा सातवां है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कह रहा है, ठीक है, तो याद रखेंगे। आगे लिखा है पेडालॉजी का संबंध किसकी अध्ययन से है? तो भैया आप जानते हैं कि पेडागोजी में क्या पढ़ा जाता है, आपका लॉजी में हम मृदा के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 177 की तरफ। लिखा है नदी के आसपास के क्षेत्रों में जल निकासी का तरीका क्या होना चाहिए? तो वो होना चाहिए कांटेदार वाला तरीका, ठीक है। आगे लिखा वातावरण में जलवाष्प की भूमिका है, तो क्या है भूमिका मेरे मित्र? तो ऑप्शन नंबर डी लिखा है मौसम में परिवर्तन और वातावरण संबंधी अन्य प्रक्रियाएं लाना। आगे लिखा है मेरे मित्र कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर आनीति है, मतलब पृथ्वी अपनी धुरी पर कितना झुकी हुई है, ठीक है, तो आप बताएंगे 23.5 डिग्री पृथ्वी अपनी धुरी पर क्या है, झुकी है। आनीति मतलब झुकना होता है, ठीक है। आगे लिखा है कि ओरोजनी शब्द से तात्पर्य है, ओरोजनी शब्द का क्या मतलब होता है? तो पर्वतों का निर्माण ही क्या कहलाता है? ओरोजनी कहलाता है। आगे लिखा है मेरे मित्र कि काली मिट्टी मुख्यतः निम्नलिखित में से किस शैल के अवक्षेत्र से प्राप्त होती है? तो आप बताएंगे चूना पत्थर, क्या हो जाएगा? चूना पत्थर इसका सही जवाब हो जाएगा। बहाव के साथ आई मिट्टी बहुत उपजाई होती है, ये सबको पता है, क्यों होती है? लेकिन क्योंकि इसमें अनेक प्रकार की मिट्टियाँ अनेक प्रकार की चट्टानें मिलके आती हैं, ठीक है, पहला हो जाएगा। ओस निर्माण के लिए आदर्श अव्यवस्थाएँ क्या होनी चाहिए? ओस कैसे बनेगा मेरे मित्र, ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो ओस बनने के लिए मेरे मित्र क्या होना चाहिए? तो आपको पता होना चाहिए कि साफ आकाश होना चाहिए, शांत हवा होनी चाहिए, कोई या फिर हवा ना हो तब भी नहीं, और अधिक सापेक्षित आर्द्रता तथा ठंडी लंबी रातें होंगी तो क्या होंगी, ओस ज़्यादा गिरेगी। आगे लिखा है लवनाक जो लिखा है ग्लेशियर एक टिंकिंग बम कहाँ पर स्थित है, ठीक है, तो ये आपका कहाँ पर स्थित है मेरे मित्र? तो आप बताएंगे ये आपका सिक्किम में स्थित है। कहाँ पे? सिक्किम में स्थित है। रक्षक मेखला किस प्रकार की विधि है मेरे मित्र? रक्षक जो मेखला है ये आपकी मृदा संरक्षण की एक विधि है। और आगे लिखा है वन कटाई से मृदा का तेजी से संक्षारण होता है, मतलब कि संक्षारण को हम अपरदन भी बोल सकते हैं। उपभूपृष्ठीय जल के प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ये दोनों कारक सबसे बुरी तरह किसे प्रभावित करते हैं? तो इसका मेरे मित्र सही जवाब हो जाएगा आपके मानव संसाधन को ये बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह कौन था? दुनिया जानती है, आप हम सब लोग जानते हैं कि आर्यभट्ट उसका नाम था। क्या नाम था? आर्यभट्ट था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ नहीं है? देखिए खरीफ पूछा, फिर से बात वही क्वेश्चन घुमा के आ गया डबल बार, कोई बात नहीं, चावल। आगे लिखा है मेरे मित्र कि भारत का सुदूर दक्षिण में दक्षिण पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे कि वो है आपका कार निकोबार। कौन है? निकोबार समूह है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भारत के किस राज्य में चंदन का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो चंदन का उत्पादन आपका कर्नाटक में सबसे होता है। कहाँ पर होता है? कर्नाटक में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है मित्र। तो हम अपने अब अंतिम प्रश्नों की तरफ बढ़ चुके हैं। पोस्टल जोन 8 में कौन सा राज्य आते हैं? तो पोस्टल जोन 8 में आपके राज्य कौन से आते हैं? तो आप बताएंगे कि उसमें आते हैं बिहार तथा झारखंड। डल झील किस राज्य में है? तो डल आपका जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर के झील की बात करें तो मेरे मित्र बुलर झील डल झील, ठीक है, और जितने भी नाग नागिन आपके आएंगे नाग झील नागिन झील, ठीक है, ये सारे आपके राजस्थान की झील हैं, ठीक है। झारखंड का झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मेरे मित्र जो झारखंड का झरिया है वो आपका कोयला के लिए फेमस है। तेलंगाना वर्तमान में किस प्रांत का एक भाग है? तो आप बताएंगे जो तेलंगाना है मेरे मित्र वो आपका आंध्र प्रदेश का एक भाग है, ठीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है, ये पूछ रहा है, तो आप बताएंगे इसकी जो राजधानी है वो आपकी पोर्ट ब्लेयर है। क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। ग्रीन पार्क अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम आपके कानपुर में स्थित है। यमुना एक्सप्रेस वे कहाँ है? तो नोएडा से लेके मेरे मित्र आगरा के बीच में है। कौन? आपका यमुना हाईवे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कीठम झील कहाँ पे स्थित है? तो आप बताएंगे जो कीठम झील है मेरे मित्र वो आपका आगरा में स्थित है। कहाँ पे? आगरा में स्थित है। आगे लिखा है उत्तर प्रदेश में लायन सफारी पार्क का स्थान क्या है? तो जो लायन सफारी पार्क है मेरे मित्र वो आपका इटावा में स्थित है। कहाँ पे? इटावा में स्थित है। आगे लिखा है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंट बढ़ जाने पर निम्नलिखित में से क्या घटित नहीं होगा? भैया जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो क्या नहीं होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ठीक है। तो आप बताएंगे कि देखिए पृथ्वी गर्म हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है, ये बात बिल्कुल सत्य है, पृथ्वी गर्म होगी। ध्रुवों पर बर्फ पिघलेगी, वायु ताप बढ़ेगा, लेकिन समुद्र का जो लिखा है समुद्र तट घट जाएगा? नहीं भैया, पानी बढ़ेगा समुद्र तट बढ़ना चाहिए, बढ़ जाएगा ना। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? तो आप बताएंगे जीवमंडल जो सुरक्षित क्षेत्र का जो आपका उद्देश्य है वो क्या है? वन्य भूमि के वनस्पति जात और प्राणी जात का परिरक्षण,
आगे लिखा है वन्य उत्पादों का प्रयोग और विकास, कृषि उत्पादों का पर प्रयोग और विकास, तो उपयुक्त सभी सही जवाब हो जाएंगे। लैटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है मेरे मित्र? तो लैटेराइट मिट्टी आप बताएंगे कि भैया यह आर्द्र एवं शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की जलवायु कैसी है मेरे मित्र? भारत की जो जलवायु है ये बच्चा जानता है कि मानसूनी है। कैसा है? मानसूनी है। बढ़ते हैं, चेन्नई की दक्षिण पश्चिम मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है, क्यों क्यों, इसका रीज़न क्या है? तो इसका जो रीज़न है मेरे मित्र, क्वेश्चन नंबर जो आपका 104 है, इसका रीज़न ये है कि चेन्नई बहुत गर्म है और नमी को संघनित नहीं होने देता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक भारत संघ का सहराज्य था और बाद में पूरा राज्य बन गया, वो कौन है? तो मेरे मित्र वो कौन है आप बताएंगे, तो वो है आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आगे लिखा है मेरे मित्र, भारत के किस राज्य में जूट की खेती सबसे अधिक होती है? तो आप बताएंगे पश्चिम बंगाल में होती है। भारत में सबसे अधिक काली मिर्च कहाँ पे होती है? तो जो भारत में सबसे ज़्यादा काली मिर्च तो आपका कहाँ होती है? केरल में होती है। कहाँ पे होती है? केरल में होती है। बढ़ते हैं अगले, आगे क्या, जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ है? जंगली गधे कहाँ पे पाले जाते हैं मेरे मित्र? तो आप बताएंगे यह गुजरात में। कहाँ पे हैं? गुजरात में। आगे लिखा है मेरे मित्र कि बनिहाल कांजीगुड़ रेल सुरंग देश में सबसे लंबी व एशिया में दूसरी सबसे लंबी रेल सुरंग है, यह किस प्रांत में स्थित है? तो मेरे मित्र ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। खेतड़ी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी मेरे मित्र तांबे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तांबे के लिए प्रसिद्ध है। आगे लिखा है कल्पक्कम प्रसिद्ध है। कल्पक्कम जो जगह है वो किसके लिए फेमस है मेरे मित्र? तो आप बताएंगे परमाणु शक्ति संयंत्र के कारण कल्पक्कम क्या है? बहुत ज़्यादा फेमस है। आगे लिखा है मेरे मित्र, किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो आप बताने की कोशिश करेंगे, तो ये है मणिपुर की। ठीक है, बांग्लादेश से मणिपुर की सीमा नहीं मिलती है। आगे लिखा है बैलाडीला खदान जानी जाती है? तो बैलाडीला मेरे मित्र लौह अयस्क के लिए जानी जाती है। गत वर्षों में उत्तरी भारत में बाढ़ की घटनाएँ बढ़ने लगी हैं, क्यों? तो बाढ़ की घटनाएं बढ़ने के कारण ये हैं कि जो आपका नदियों में तटीय भागों में वन नष्ट हुए हैं। तो भैया बाढ़ की घटनाएं बढ़ने का कारण है कि वन जो है मेरे मित्र वो कम हो चुके हैं। ठीक है, इसलिए आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 115 की तरफ, किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बालाघाट और छिंदवाड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा बांध मिट्टी से बना है? तो कौन सा बांध है जो मिट्टी से बना है? तो ये होगा पांचना बांध। कौन है? पांचना बांध है, मिट्टी से बना है। वह राजस्थान का सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला ज़िला है। सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सा ज़िला बनाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे मित्र बीकानेर। कितनी देशी रियासतों के एकीकरण से राजस्थान का निर्माण हुआ मेरे मित्र? तो ये होगा आपका B19। सही जवाब क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका माही नदी सी। ठीक है, कौन सी नदी सुमेलित नहीं है? कौन सी सही सुमेलित नहीं है मेरे मित्र? तो आप बताएंगे कि सही जवाब आपका हो जाएगा कोसी गोरखपुर। ये बिल्कुल गलत है, कोसी गोरखपुर में नहीं बहती। गंगा वाराणसी में बहती है, गोमती सुल्तान में बहती है, सरयू में औद्या, लेकिन कोसी गोरखपुर में नहीं बन बहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया, मानव ने किसका उपयोग किया? तो आपने बताना है कि मानव ने सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया था। ठीक है, आगे लिखा है नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तो बताएंगे तमिलनाडु में नीलगिरी स्थित है। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान के बीकानेर तथा जैसलमेर शहरों से होता हुआ पंजाब से गुजरात जाता है, वो कौन सा आपका है? तो वो है पीपा पाव। निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो मेरे मित्र आप बताएंगे यह गुजरात में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरे मित्र कि न्यूक्लियर पावर के निर्माण में निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग होता है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका यूरेनियम। किसका? यूरेनियम का प्रयोग होता है। मुख्यतः आम्र बागों वाले ज्वारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो सही जवाब सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं। झूम कृषि कहाँ पर की जाती है? तो उत्तर पूर्व भारत में की जाती है मेरे मित्र सबसे ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है मेरे मित्र, तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो आप बताएंगे भैया जी कैल्शियम सुपर फास्फेट का यूज़ करके हम उसे सही करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरे मित्र आपके स्क्रीन पे, कौन सी नदी बिहार के शोक के नाम से जानी जाती है? तो आपको पता होगा बिहार का शोक आपका कौन है? तो वो है आपका कोसी नदी। प्रसिद्ध कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो आप बताएंगे कार्बेट जो नेशनल पार्क है मेरे मित्र वो आपका उत्तराखंड में स्थित है। किस फसल के लिए भारत में विश्व का सबसे बड़ा कृषि क्षेत्र है? भारत में सबसे ज़्यादा जो कृषि किस क्षेत्र पे होती है या किसके लिए होती है? तो वो हो जाएगा आपका चावल होता है। ठीक है, आगे लिखा है कि वह राज्य भारत के काफी एवं सिल्क के उत्पादन में 70% का योगदान देता है, उसका नाम क्या होगा? तो मेरे मित्र आप बताएंगे कर्नाटक। क्या बताएंगे? कर्नाटक।
आगे लिखा है निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी के फेफड़े कहे जाते हैं। पृथ्वी का फेफड़ा किसको कहते हैं, तो आप बताएंगे कि हम कहते हैं ब्राज़ील के, जो ब्राज़ील के जंगल है ना, उसी ब्राज़ील से आप याद रखें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को। पूर्व एवं पश्चिमी कॉरिडोर जो राष्ट्रीय राजमार्ग में सम्मिलित है, संबंध करता है या जोड़ता है किसको किसको, तो आप बताएंगे ये जोड़ता है सिलचर से पोरबंदर को। क्वेश्चन दोबारा आया है, पीछे भी आया था। भारत में छोटी इलायची का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, फिर से वही ऑप्शन आ गया, किसी में भी नहीं होता है, सब ऑप्शन गलत है, कर्नाटक हो जाएगा या फिर इसमें से कोई नहीं आप लगा सकते हैं। आगे काजू लजमाओ विश्व का एकमात्र तैरता कहाँ पे है, तो ये आपका बताया था अभी हमने, मणिपुर में है। कौन सा लिखा है, कौन सा एक कृषि उत्पाद नहीं है, तो कृषि का उत्पाद कौन नहीं है बताइए, 93% चावल कपास, लेकिन फिटकरी नहीं है। कौन नहीं है आपका फिटकरी, आपका आपका फिटकरी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज है, खनिज पूछा है ना, तो खनिज कौन है बताएंगे, तो मेरे मित्र कौन सा एक खनिज है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हीरा, हीरा का एक खनिज है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वह नगर जहाँ पवित्र गंगा यमुना तथा सरस्वती नदियों का संगम होता है, दुनिया को पता है कि उसे हम इलाहाबाद कहते हैं या प्रयागराज के नाम से जानते हैं। विश्व जल संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो जो विश्व जल संरक्षण दिवस है वो हम 22 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 22 मार्च को। भारत की सेंचुअरी जिसे हम केवलादेव पक्षी विहार के नाम से जानते हैं कहाँ पर स्थित है, तो आप बताएंगे कि ये आपका कहाँ पर स्थित है, ये आपका राजस्थान में स्थित है, ठीक है। अगले लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा 7 उत्तर पूर्वी राज्य का नाम नहीं है, ठीक है, तो इसका जो जवाब आपका हो जाएगा मेरे मित्र, वो आपका हो जाएगा नाम क्या पूछा है, नाम नहीं है ना, देखिए एक तो जोरहट नहीं है, ठीक है, और एक अगरतला नहीं है, और एक आपका दीमापुर नहीं है, तो ये आपके तीनों मतलब कि ए डी ई कहाँ गया, ए डी ई, ये आपका नंबर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं 43वें क्वेश्चन की तरफ, 200 आगे लिखा है मेरे मित्र, आगे ध्यान देंगे, निम्नलिखित में से किसके गहन आधुनिक खेती आवश्यक हो जाती है, किससे गहन आधुनिक खेती जो है वो आवश्यक हो जाती है, तो आप बताएंगे मेरे मित्र, तो वो आपका कैसे आवश्यक हो जाती है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, वो आपका हो जाएगा फसल पैटर्न के द्वारा, फसल पैटर्न के द्वारा। अब अगला, और यहाँ से आपका आपका जो देखिए आपकी जो भारत का भूगोल का क्वेश्चन था वो खत्म हो चुका है, भारत का भूगोल जो था, भारत का जो भूगोल था वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब यहाँ से हम चलेंगे वर्ल्ड जियोग्राफी की तरफ, तो मेरे मित्र बिल्कुल आप बिल्कुल परेशान ना हो, अब हम वर्ल्ड जियोग्राफी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, इसमें भी आपके लगभग आपके 100-150 क्वेश्चन है, ठीक है। तो मेरे मित्र देखते रहें आप, और चैनल पर नए हो तो एक बार फिर से बता देता हूँ, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें थोड़ा एक बार, ठीक है मेरे मित्र, क्योंकि इतना मेहनत करके वीडियो बनाई जाती है आपके लिए, ठीक है। तो चलते हैं, थोड़ा इंतज़ार करूंगा आप लोगों का, एक बार आप शेयर करके आएँ इसको अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, आप सब लोग कहीं ना कहीं फेसबुक पे किसी ना किसी ग्रुप में जुड़े होंगे, तो आप उन ग्रुप में इनको एक बार ज़रूर शेयर करें, ठीक है मित्रों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आप लोग समझदार हैं, आपने कर दिया होगा, इसी उम्मीद के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, बांग्लादेश की मेघना और पद्मा नदियों का पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में की भारी मात्रा और खेती के लिए बहुत अनुकूल है, किसके लिए, तो रोहू मछली जो है ना इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। सबसे बड़ा टापू कौन है, तो सबसे बड़ा टापू कौन है मेरे मित्र, तो बताएंगे सबसे बड़ा जो टापू है वो कौन है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर आपका ग्रीनलैंड है। कौन है, ग्रीनलैंड। टापू को हम द्वीप भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, द्वीप, जिसको बोलते हैं द्वीप, ठीक, द्वीप भी बोल सकते हैं। बढ़ते हैं, पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न होता है, पृथ्वी के घूमने से क्या उत्पन्न होता है, तो मेरे मित्र आप बताएंगे कि पृथ्वी के घूमने से दिन और रात होता है, ठीक है। यदि पृथ्वी के परिभ्रमण की गति बढ़ा दी जाए तो पृथ्वी का द्रव्यमान क्या होगा, भैया अगर पृथ्वी के घूर्णन को बढ़ा दिया जाए तो पृथ्वी का द्रव्यमान क्या होगा, भैया घुमाने से क्या मतलब, कुछ नहीं होगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 49वें समानता द्वारा किन देशों को पृथक किया जाता है, तो आप बताएंगे यूएसए और कनाडा को 49वें समांतर के द्वारा अलग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका एक आपका सही जवाब हो जाएगा। पाषाण चट्टानों का अधिक मात्रा में त्वरित गति से खिसकना क्या कहलाता है, तो भूस्खलन कहलाता है, क्या कहलाता है, भूस्खलन कहलाता है मेरे मित्र। अगले क्या, सौर परिवार का सबसे छोटा एवं सबसे बड़ा ग्रह कौन है, क्रमशः पूछा है, सबसे छोटा पहले ढूंढिए, तो देखिए सबसे छोटा तो आपका कौन है, बुध है, सबसे छोटा आपका बुध है, और सबसे बड़ा बृहस्पति, तो ऑप्शन नंबर डी। पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक कब आती है, तो मेरे मित्र आपको पता है पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक कब आती है, तो आप बताएंगे कि भैया जी ये दिसंबर में आती है, 9 दिसंबर के आसपास। बढ़ते हैं, दिसंबर 2012 में किस देश ने अभी हाल में ही अपनी महिला राष्ट्रपति का चुनाव किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है, तो मेरे मित्र ये पुराना करंट हो चुका है, इसे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं,
ठीक है। आगे लिखा है एब और फ्लो क्या है, एब और फ्लो क्या है मेरे मित्र, तो ये हो जाएंगे आपके नासा का एक गुरुत्व मैपिंग उपग्रह है, कौन, एब और फ्लो। निम्नलिखित में से कौन से देश में सर्वप्रथम मौसम अधिनियम पारित किए, सबसे पहले मौसम अधिनियम किसने पारित किया, तो आप बताएंगे सबसे पहले कनाडा ने पारित किया, किसने, कनाडा ने। आगे लिखा है निम्नलिखित में से किसका उपयोग पृथ्वी की आयु के परिकलन में नहीं किया जाता है, ठीक है, तो नहीं किया जाता है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा पृथ्वी का आकर्षण बल, इससे कोई मतलब नहीं है। आगे लिखा है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा मेरे मित्र वो हो जाएगा रिफ्ट घाटी का उदाहरण है, किसका, रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। बढ़ते हैं प्रथम भूमिगत रेलवे का निर्माण कहाँ हुआ, देखिए भूमिगत प्रथम विश्व में पूछ रहा है, तो मेरे मित्र विश्व में पूछ रहा है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा लंदन में, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बृहद मैदान में प्रभावित होने वाले गर्म शुष्क एवं धूल भरी पवन को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं ब्लैक रोलर, वहाँ पे ब्लैक रोलर, और भारत में क्या कहते हैं, उसी हवा को भारत में लू के नाम से जानते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है, तो लिखा है कि लंदन टेम्स नदी के किनारे है, पेरिस डेब्यू नदी के, दिल्ली यमुना नदी के किनारे है, तो और यहाँ पे लिखा है न्यूयॉर्क जो है मिसिसिपी नदी के किनारे है, ठीक है। तो मेरे मित्र ये आपके जो तीनों हैं बिल्कुल सत्य हैं, लेकिन ये जो न्यूयॉर्क दिया ये गलत दिया, मिसिसिपी नदी के किनारे नहीं है, बल्कि ये हडसन नाम आपने सुना होगा, हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क स्थित है। आगे लिखा है निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है, तो सबसे ज़्यादा लवणता किस सागर की है, तो आप बताएंगे मृत सागर की लवणता सर्वाधिक है, किससे, मृत सागर। म्यान ज्वालामुखी पर्वत स्थित है, तो म्यान जो है आपकी ये स्थित कहाँ पे है, तो आप बताएंगे कि भैया जी ये स्थित है फिलीपींस में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कौन सा महाद्वीप मानव जाति का जन्म स्थल कहलाता है, तो ये कहलाता है अफ्रीका। और कौन सा प्राचीन साम्राज्य तीन महाद्वीपों में फैला हुआ है, तो आप बताएंगे रोमन, कौन है, रोमन है। और ये कौन कौन है, तो यूरोप है, यूरोप है, एशिया है और अफ्रीका, ये तीनों मिलके आपके रोमन साम्राज्य को बनाते हैं, ठीक है। आगे लिखा है समुच्च रेखाएं कैसे स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है, अभी पीछे ही पड़ा था, तो ये आपके मेरे मित्र कैसे होते हैं, तो सम ऊंचाई वाले कैसे होते हैं, आपके ये होते हैं माध्य समुद्र तल से सम ऊंचाई वाले क्षेत्रों को मिलाते हुए खींचा जाता है, काल्पनिक रेखा होती है। निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मखरला मिट्टी होती है, जिसे हम लैटेराइट मिट्टी के नाम से जानते हैं। कौन सा जल डमरू मध्य या फिर जिसे हम स्टेंज बोलते हैं स्टेट ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करती है, तो वो मेरे मित्र कौन है, तो आप बताएंगे 23 का सही जवाब तो हो जाएगा बांस जल संधि, कौन है, बांस जल संधि। पाक का पूछेगा तो पाक भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं है, नहीं, भारत और लंका के बीच में है, याद रखेंगे, नाम भले पाक है लेकिन भारत और लंका के बीच में, याद रखें, कन्फ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान किस तट के निकट पाई जाती है, तो ये है मेरे मित्र आपका ऑस्ट्रेलिया, जिसे हम आपका क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से भी जानते हैं। दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण चरागाहों या घास फसलों को क्या कहते हैं, तो मेरे मित्र तो दक्षिण की घास मैदान है उसे हम पैम्पारा कहते हैं। अच्छा पूछेगा प्रेरी कहाँ की, तो बताइए, तो आप बताइएगा अमेरिका की, कहाँ की है, अमेरिका की। डाउन पूछे कहाँ की है, तो डाउन आपकी ऑस्ट्रेलिया की, कैसे, ऑस्ट्रेलिया की, याद रखेंगे। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भारी वर्षा कब होती है, तो आप बताएंगे मेरे मित्र शीत ऋतु में होती है, कब होती है, शीत ऋतु में होती है। भूमध्य रेखा में समांतर खींची गई रेखाओं को क्या कहते हैं, जो रेखाएं समांतर खींच जाती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे मेरे मित्र कहते हैं हम लोग अक्षांश रेखाएं, क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं, जो ग्लोब पे ऐसे खींच जाती हैं इसी को बोलते हैं अक्षांश, और जो ऐसे खींच जाती हैं ये समांतर नहीं होती, इनके बीच की दूरी क्या होती है, नज़दीक में ज़्यादा, बीच में ज़्यादा और किनारों पर पतली होती हैं, उसे हम देशांतर कहते हैं। आगे लिखा है समुद्र में ज्वारभाटा किसके कारण होता है, तो सूर्य और एक मिनट, हाँ, समुद्र में ज्वारभाटा के कारण क्या हो सकता है मेरे मित्र, तो बताएंगे सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव के द्वारा, ठीक है। आगे लिखा है जब सूर्य एवं चंद्रमा का खिंचाव पृथ्वी पर एक दिशी हो तो सागर में उत्पन्न होने वाला ज्वारभाटा कैसा होगा, कैसा होगा, तो आप बताएंगे भैया बृहद ज्वारभाटा आ सकता है, ठीक है। आगे लिखा है कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है, स्थल रुद्ध देश कौन सा है, तो बताएंगे मेरे मित्र हंगरी है, कौन है, हंगरी है, ठीक है। आगे लिखा है खाड़ी प्रवाह एक सागर धारा है जो आरंभ होती है, किससे आरंभ होती है, तो आप बताएंगे ये फ्लोरिडा के समुद्र तट से आरंभ होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्र भूषण ने में पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ संदर्भित क्षेत्र है, तो आप इसका सही जवाब देंगे ये कहाँ पे है, तो मेरे मित्र ये आपका है आपका कजाकिस्तान में, कहाँ पे है, कजाकिस्तान में। आगे क्या है पहली भारतीय महिला जो अंटार्कटिका पे पहुंची, तो ये है महल मूसा है, कौन है, महल मूसा है। आगे लिखा है कौन सा एक देश का नाम है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश का नाम है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं बोस्कोन क्यूबा, तो क्यूबा एक देश का नाम है, ठीक है। किसार आपका देश का नाम नहीं है, डॉल्फिन भी देश का नाम नहीं है, ठीक है, आप ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं
नदी टेम्स निम्नलिखित में से किस देश में बहती है? तो जो टेम्स नदी है मेरे मित्र, ये आपका यूनाइटेड किंगडम में बहती है। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो मेरे मित्र अल्जीरिया। कौन है? अल्जीरिया आपका अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। बढ़ते हैं 37 क्वेश्चन की तरफ। कौन सा देश का सबसे बड़ा द्वीप समूह से मिलकर बना है? तो मेरे मित्र वो आपका कौन है? तो आप बताएंगे वो है आपका जापान। लगभग 7000 कितने? तो 7000 द्वीपों से मिलकर बना है, इसे आप याद रखेंगे। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में जिस देश का सर्वाधिक योगदान है वह कौन सा देश है? 38 का आप जवाब देंगे तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे लिखा है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कितने अक्षांश है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आपका 180 डिग्री पे होती है। कितने पे? 180 डिग्री पे होती है। एक मिनट, थोड़ा सा सॉरी, क्षमा चाहेंगे, थोड़ा सा बड़ा हो गया। वहीं आगे 26 जुलाई 2013 को मौसम संबंधी जानकारों के लिए इसरो, देखिए क्वेश्चन बहुत पुराना हो चुका है, ऐसे क्वेश्चन सब आएंगे भी नहीं, ठीक है, तो इसे छोड़िए, इसको अब बैक करते हैं, आगे स्पीक करते हैं, स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता कब चला? कि मतलब छिद्र कब हो चुका है, ये कब पता चला? तो ये पता चला 1885 में। कब पता चला? 1885 में। दिन और रात बनते हैं, बताइए दिन और रात क्यों होते हैं? तो बताएं आपको पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। विश्व में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो आप बताएंगे सबसे ज़्यादा ऊन कहाँ पर होता है? तो ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। पर्थ में से लंदन का सबसे छोटा हवाई मार्ग कौन सा है? पर्थ से लंदन का जो सबसे छोटा हवाई मार्ग है वो कौन सा है? तो वो है भैया पर्थ से आप कहाँ जाएँ? अनकास जाएँ, अनकास से पेरिस जाएँ और पेरिस से लंदन जाएँ, ये सबसे छोटा मार्ग माना जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। जोड़ा बताना है तो दिखा है कि क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा असत्य है या सत्य कौन सा जोड़ा है, ठीक है। तो अब बात करेंगे मेरे मित्र उत्तर चीन, देखिए लिखा है उत्तरी चीन चावल के लिए सही है, सही ढंग का जोड़ा पूछा है ना, सही ढंग का जोड़ा दे तो ये आपका गलत है, और दक्षिण चीन का ये गेहूं गलत है, कैंडी बेसिन ये गलत है, मलेशिया जो दिया है प्राकृतिक रबड़ ये बिल्कुल आपका सही है, मलेशिया में रबड़ होता है, प्राकृतिक रबड़ पौधों से निकाला जाता है। अगले क्या, कौन से पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले ग्रह नहीं है? पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले ग्रह नहीं है, तो मेरे मित्र ये क्वेश्चन मुझे ही गलत समझ में आ रहा है कि आपको भी, ताकि आप कमेंट करके बता सकते हैं क्वेश्चन में क्या गड़बड़ी है। पृथ्वी के चारों तरफ घूमने वाले ग्रह तो हो ही नहीं सकते, सूर्य के ऐसे, लेकिन गड़बड़ कुछ क्वेश्चन ही गड़बड़ है मेरे मित्र, ये क्वेश्चन गड़बड़ है, आप एक बार जरूर से देखेंगे और बताएंगे, ठीक है, आपकी हेल्प चाहिए थोड़ी। विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा नदी बेसिन है मेरे मित्र वो है आपका अमेजन नदी बेसिन। कौन है? अमेजन नदी बेसिन। डुरंड लाइन किन देशों की मध्य सीमा है? तो मेरे मित्र भारत और अफगानिस्तान, ऑप्शन दिया है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कह सकते हैं, अफगानिस्तान और भारत आ गया ना, भारत तो उसके बीच भी कौन है? उसके बीच भी मेरे मित्र डुरंड रेखा ही है। चीन और यहाँ पे चीन और भारत के बीच कौन है? तो मैकमोहन है। कौन है? मैकमोहन है। और भारत और पाकिस्तान की बात पूछेगा तो आप बताएंगे रेड क्लिफ है। कौन है? रेड क्लिफ है, ठीक है, आगे बढ़िए। इंडोनेशिया में उस मंदिर का नाम बताएं जहां रामायण के साक्ष्य मिले हैं या महाभारत के? तो बोधो बुधूर है। ज्वालामुखी गतिविधियों से किस प्रकार की झील बनती है? जब ज्वालामुखी गतिविधि से झील जो बनती है तो वो मेरे मित्र कालडेरा झील बनती है। कैसी? कालडेरा झील बनती है। राज्य में महाभट संबंधित है, तो महाभट क्या होता है? महाभट जो होता है मेरे मित्र वो आपका होता है पश्चिमी विक्षोभों से बनता है। किससे? पश्चिमी विक्षोभों से संबंधित होता है। आगे लिखा है मेसोपोटामिया की सभ्यता से हम्मुराबी का संबंध किस प्रदेश से है? तो आप बताएंगे मेरे मित्र वो है आपका सुमेरिया से। किससे है? सुमेरिया से है। आगे लिखा है वर्तमान में मेसोपोटामिया की पहचान किस आधुनिक देश से होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इराक से होता है। और आगे लिखा है ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी कौन थे? तो ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी थे मेरे मित्र वो थे आपके कौन? तस्मान। कौन थे? तस्मान थे। बढ़ते हैं अगले, भारत में मानव किस प्रजाति के थे? आज के मानव किस प्रजाति के हैं? तो होमो सेपियंस के हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता में झूलते बाघों का संबंध बेबीलोन से है मेरे मित्र। भारत मानक समय और ग्रीनविच मध्यमा के बीच कितने घंटे का समय का अंतर है? तो 5:30 आपको पता होगा। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में कर्क रेखा गुजरती है? तो मेरे मित्र जो कर्क रेखा गुजरती है वो किस जिले से गुजरती है? तो आप बताएंगे बांसवाड़ा जिले से गुजरती है, ठीक है। शुद्ध जल की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ पे स्थित है? तो जो लेक सुपीरियर है वो आपका कनाडा में स्थित है, ठीक है। लुफ्तहांसा किस देश की एयरलाइन सेवा है? तो ये है मेरे मित्र आपकी जर्मनी की। विश्व की दूसरी सबसे छोटी ऊँची कौन है? विश्व की सबसे ऊँची दूसरी चोटी कौन है मेरे मित्र? तो बताएंगे केटू है, जो कि भारत में स्थित है, ठीक है। हमारा सौरमंडल किस जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे मंदाकिनी कहते हैं, या किस आकार का है? तो मेरे मित्र इसका आकार भी पूछ सकता है, तो इसका जो आकार होता है मेरे मित्र 62 का जो जवाब है वो होगा सर्पिला आकार होता है, ठीक है, याद रखेंगे। लाल ग्रह के नाम से मंगल को जानते हैं, पता ही होगा आपको, मंगल को जानते हैं। भारत एवं चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन है? भारत और चीन के बीच मैकमोहन। कौन है? मैकमोहन। रेड क्लिफ भारत और पाक के बीच। डुरंड भारत और अफगान के बीच, ठीक है, अफगान के बीच, ठीक है। और 49वें पूछेगा तो USA और कनाडा के बीच, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है, जगह नहीं है और मैं मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ तो लिख भी नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे अच्छे तरीके से, आप समझिए, समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है मेरे मित्र
कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है कौन है, तो आप बताएंगे, बताइए 65 का आंसर आपका बुध हो जाएगा, ठीक है। और सबसे दूर तो आपका वरुण हो जाएगा, सबसे दूर कौन है, वरुण हो जाएगा। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा, तो वो है भैया इरेटोस्थिन्स ने मापा था। निम्नलिखित में से किस भूभाग का संबंध ग्लेशियर से नहीं है, ग्लेशियर से संबंध पूछ रहा है नहीं है, तो प्राकृतिक घाटों का संबंध नहीं है, ठीक है। अगले क्या, भारत ने हाल ही में किस प्रयोजन में कक्षा में उपग्रह सैटेलाइट स्थापित किया है, तो सही जवाब हो जाएगा समुद्री अन्वेषण। क्या हो जाएगा, समुद्री अन्वेषण। अगले क्या, खाद्य संग्रहण, शिकार करना और मछली पकड़ना कैसे व्यवसाय हैं, किससे व्यवसाय जुड़े हुए हैं, तो आप बताएंगे मेरे मित्र, ये हैं कांगो के जो पिग्मी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, आप यहाँ पे 5 स्टार लगाने तब भी कम पड़ेगा, ठीक है। कांगो के पिग्मी क्या करते हैं मेरे मित्र, ये जनजातियाँ हैं और ये लोग मछली पकड़ते हैं, शिकार करते हैं, ठीक है। कौन सी महासागरी धारा एन एल नीनो प्रभाव से संबंधित है, तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर सी पेरू धारा। वाटरगेट स्कैंडल किस घटना से संबंधित है, तो मेरे मित्र इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में वाटरगेट अपार्टमेंट में छिपे हुए माइक्रोफोन लगाए गए थे, यह कार्य राष्ट्रपति निक्सन के शासनकाल में हुआ, और कब हुआ पूछिए कब हुआ, तो बताएंगे 1972 में हुआ, याद रख लेना मेरे भाई, ठीक है। आगे बढ़ो, कोई ठोस चट्टान जब आंधी वर्षा और पाले से प्रभावित होती है तो छोटे छोटे टुकड़ों में या कणों में टूट जाती है तो बालू बनती है, उसमें मुख्यतः होता क्या है, ये पूछ रहा है, तो मेरे मित्र उसमें होता है टूरमैलिन। क्या होता है, टूरमैलिन। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस आप बताएंगे 22 अप्रैल को मनाया जाता है। FAO का मुख्यालय कहाँ पे है, तो FAO का जो मुख्यालय है वो आपका रोम में स्थित है। अच्छा, FAO का मुख्यालय की बात किया तो फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं, तो हो जाएगा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। थोड़ा जगह कम है, मैं बोल दे रहा हूँ, समझ, ठीक है। आगे लिखा है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय सत्ता में 16वीं शताब्दी में भारत ने व्यापारिक स्थल स्थापित किए थे, तो देखिए 16वीं शताब्दी में पुर्तगाल भी आया, फ्रांस भी आया और यूनाइटेड किंगडम वाले भी आए, अर्थात उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे लिखा है, निम्नलिखित में कौन सी एक महासागर धारा लेब्राडोर धारा से मिलती है, तो आप बताएंगे इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे मित्र गल्फ स्ट्रीम। आगे लिखा है, वालेस रेखा निम्नलिखित में से किसके बीच वनस्पति जात और प्राणी जात को सुस्पष्ट या पृथक करती है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशुद्धि प्रदेश का प्रमुख व्यवसाय है, तो आप बताएंगे इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे मित्र आपका उष्णकटिबंधीय फसलों को उगाना, यही उनका क्या है, व्यवसाय है। भूस्खलन के बारे में कौन से कथन सही है, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 79, तो लिखा है मेरे मित्र, ये आकस्मिक एवं कदाचित होते हैं, बिल्कुल सही बात, ये कभी भी हो सकते हैं, ये होते हैं तो जब ढाल मंद होता है, ये तो बिल्कुल गलत है, ढाल से नहीं मतलब, ये कहीं भी हो सकता है। खनन क्रिया भी भूस्खलन के लिए उत्तरदायी है, बिल्कुल सही बात, जैसे मान लीजिए एक ये पहाड़ है और आप खनन करते हैं, खनन का मतलब समझते हैं, मतलब मान लीजिए एक आपका ये आपका एक पहाड़ है, मैं चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा, मान लीजिए एक पहाड़ है और आपने क्या किया, आपने खनन किया, मैं यहाँ से इरेजर का यूज़ करके यहाँ से खनन कर देता हूँ, ठीक है, मैं इरेजर के यूज़ से, यहाँ पे खनन का मतलब होता है खोदना, अगर मेरे भाई अगर मैं इसको ऐसे खोद दूंगा नीचे से, तो बताइए ये जो ऊपर का हिस्सा है क्या होगा, ये कभी ना कभी ये वाला जो हिस्सा ये कभी ना कभी तो नीचे ही आएगा, तो नीचे आएगा तो भूस्खलन का यही कारण है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है और 3 सही है, ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो इस प्रकार आप ऑप्शन मैच कर लीजिए, ऑप्शन मैच हो जाएगा 1 और 3, कौन हो जाएगा 1 और 3। तुल्यकाली उपग्रह पृथ्वी की चारों ओर कितने समय अपना एक परिक्रमा पूरा करता है, तो ये हो जाएगा आपका 24 घंटे में, ठीक है। भूमंडलीयकरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है कौन से गलत है, ये पूछा है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 81 आपके स्क्रीन पे है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, लिखा है इसके परिणाम स्वरूप आर्थिक क्रियाओं कलापों में पैमाने बदल जाते हैं, शीत युद्ध के समापन में भूमंडलीकरण को सुकर बनाया है और राष्ट्र पारी नियमों के मुद्रा प्रवाह हतोत्साहन हुआ है, तो ये बिल्कुल गलत है, एक ही सही है ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, विषुवती कटिबंध में बृहत्तम क्षेत्रफल वाला महाद्वीप कौन सा है, तो मेरे मित्र आप बताएंगे 82 का जवाब क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर जी अरे भाई मेरे अफ्रीका, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सूची 1 को 2 से मिलाना है, देखिए एक तरफ नदी दिया है एक तरफ आपके नगर दिए हैं, तो ठीक है आपको पहले जो आता है सबसे पहले आपको जो आता है सबसे पहले आप वही करें, ठीक है मेरे मित्र, सबसे पहले जो आता है सबसे पहले उसको करें, ठीक है। सबसे पहले देखिए जो आपका एल्ब है, स॑ॉरी आपका जो स्प्री है वो स्प्री जो है मेरे मित्र ना वो आपका बर्लिन में आएगा, कहाँ पे आएगा, बर्लिन में, बर्लिन नदी किनारे है। अच्छा जो आपका राइन है नदी, इसके किनारे मेरे मित्र बांध शहर स्थित है, ठीक है। अच्छा साइन की बात कीजिए तो साइन के सामने पेरिस स्थित है, और ये जो है आपका एक मिनट कुछ गलत हो रहा है, सही है मेरे मित्र सही है, और एल्ब जो है हमबर्ग के सामने सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर इस प्रकार बी इसका जो हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा एक मंगल पर्यटक नहीं है, ठीक है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा अपोलो, कौन है, अपोलो एक मंगल पर्यटक नहीं है। आगे बढ़ते हैं,
बायोम को विश्व का ब्रेड बास्केट कौन कहता है? तो आप बताएंगे ब्रेड बास्केट किसे कहा जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य अक्षांश घास स्थल। एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? तो एशिया और उत्तरी अमेरिका को बेरिंग जल मडरू मध्य के द्वारा बेरिंग जल डमरू मध्य के द्वारा अलग किया जाता है। ठीक है, जल आगे लिखा ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं? तो उसे मेरे मित्र क्या कहते हैं? तो आप बताएंगे उसे सर मेरे भाई क्रेटर झील कहते हैं। ठीक है, जहाँ से ज्वालामुखी निकलता है। आगे लिखा है दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? तो दक्षिण अमेरिका लिखा है ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे मित्र आपका क्या हो जाएगा? तो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका आप हो जाएगा पंपास। क्या हो जाएगा? ठीक है, और बात करते हैं सवाना घास कहाँ का है? तो ये आपका अफ्रीका का है। कहाँ का है? अफ्रीका का है। प्रेरीज कहाँ का है? तो ये आपका अमेरिका का है। ठीक है, वेल्ड कहाँ का है? ये साउथ अफ्रीका का है। ठीक है, ठीक है, याद रखेंगे। आगे लिखा है बुध को किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं? तो मेरे मित्र पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं? तो ये आपका पृथ्वी का जो जुड़वा बहन है वो किसे कहते हैं? तो इसका जवाब आप खुद देंगे। ठीक है, इसका जवाब आप देंगे। बढ़ते हैं आगे, सीरिया की राजधानी क्या है? तो सीरिया की राजधानी क्या है मेरे मित्र? तो ये है डमास्कस। क्या है? डमास्कस सीरिया की राजधानी है। आगे लिखा है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के भिलाई इस्पात को किसने किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? तो भिलाई में जो लगा इस्पात कारखाना लगा है वह रूस की सहायता से है। किसकी सहायता से है? रूस की सहायता से है, याद रखेंगे। अगले लिखा है कौन सा सुमेलित है? लिखा है रेलवे, एक तरफ रेलवे विनिर्माण इकाई का नाम है, दूसरी तरफ स्थान है। लिखा है डीजल लोकोमोटिव वर्क जो इलाहाबाद दिया है, तो आपका ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इंट्रीगल कोच फैक्ट्री हैदराबाद सही है। रेलवे कोच एक मिनट, सॉरी मेरे मित्र क्या पूछा? ओहो, पूछा है सुमेलित है, मतलब गलत नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कौन सही है। तो देखिए ये तो गलत है, ये भी गलत है, और ये बिल्कुल आपका सही है। कपूरथला में रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं। ठीक है, मैंने सोचा कि कौन गलत है, तो मैंने इसीलिए बताया कि ये तीनों ऑप्शन, मैंने सोचा कि फिर मैंने सोचा कि नीचे तो ऑप्शन दिए नहीं है, तो इस प्रकार चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा सुमेलित है? 93 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो लिखा है कि बैंक ऑफ अमेरिका भारत में सबसे बड़ी विदेशी बैंक है, नहीं है ही नहीं, ये तो गलत बात है। इंदू सिंध बैंक भारत में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी बैंक है, नाम ही नहीं आपने सुना होगा, सुना है क्या? अच्छा, ये दोनों आपने नाम सुने हैं ना, ध्यान से पढ़िए। लिखा है इलाहाबाद बैंक में क्या दिया है? भारत में सर्वाधिक लाभ अर्जित करने वाला बैंक है, ऐसा कोई बात नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्या लिखा है? भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों में सबसे बड़ी बैंक है मेरे मित्र, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सा है? आपको पता है बुर्ज खलीफा, पता है कि नहीं? गाना भी आपने सुना होगा, ये दुबई में है, तो ये आपका यूएई है, जो कि बुर्ज खलीफा सबसे ऊंची इमारत है विश्व की। आगे लिखा है किस द्वीप को क्लो आइलैंड कहा जाता है? क्लो मतलब लौंग, यहां पे लौंग की महक आती है। ठीक है, तो कहां पे आती है मेरे मित्र? तो वो आपकी आती है जंजीबार में। कहां पे आती है? जंजीबार में। जब आप जाएंगे तो आपको लौंग की खुशबू आएगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वह मिट्टी, एक मिनट, वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निछालन की ओर प्रवृत्त है क्या कहलाती है? तो वो मेरे मित्र आपकी कहलाती है लैटेराइट मिट्टी। रेगिस्तान, एक मिनट, रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम चट्टान का निर्माण किसका उदाहरण है? तो मेरे मित्र इसका सही जवाब हो जाएगा आपका हो जाएगा अपघर्षण का उदाहरण है ये। ग्रैंड कैनियन किस नदी में है? ग्रैंड जो कैनियन है मेरे मित्र, क्वेश्चन नंबर 98 जो है वो कहाँ पे है? तो आप बताएंगे कोलोरेडो में। कहाँ पे है? कोलोरेडो में है। उपोष्ण उच्च दाब के कटिबंधों को और क्या पुकारते हैं? क्या पुकारते हैं? तो आप इसे हम हार्स लेटीट्यूड्स कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन और उसका मुख्यालय गलत ढंग से मिलाया गया है? तो देखेंगे ध्यान से, अंतर्राष्ट्रीय नगर विमानन संगठन लंदन दिया, ये पहला ही गलत है, क्योंकि ये आपका लंदन नहीं बल्कि कनाडा है। कहाँ पे है? कनाडा है। दूसरा इंटरपोल दिया लियोन में, सही है। अंतर्राष्ट्रीय डाक बर्न में, सही है। और खाद्य तथा कृषि संगठन रोम में दिया है, ये मतलब तीनों सत्य हैं, पहला गलत था। तो मेरे मित्र यहाँ पे हमने बता दिया ये कनाडा में। ठीक है, आगे कैबुल लाजमाओं ये बता चुके हैं हम। ठीक है, ये बता चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? आग्नेय चट्टान का उदाहरण कौन है? तो आप बताएंगे गैब्रो। क्या है? आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। आगे फिर से युग्म आ गया, और युग्म को फिर से सुमेलित करना है। क्वेश्चन नंबर 103 है आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, तो चलते हैं। लिखा है कि बुशमैन जो है मेरे मित्र वो अटाकामा दिखा रहा है, और आगे आपका तुआरे कालाहारी बेडर ओइन सहारा बिंडीऊ आपका ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल में दे रहा है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पूछा है कौन सही ढंग से मिलान किया गया है। ठीक है, ये पूछा है, तो इसका जो सही ढंग से जो मिलान है वो है बेड ओइन सहारा, ये आपका सही ढंग से मिला रहे, और ये बाकी तीनों क्या हैं? गलत हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। चंद्रग्रहण पर हर महीने नहीं होता, क्यों? चंद्रग्रहण जो होता है मेरे मित्र हर महीने नहीं होता, इसका रीज़न क्या है? तो मेरे मित्र इसका रीज़न यही है कि
लिखा है कि कक्ष सूर्य का कक्ष चंद्रमा के एक ही तल पर नहीं रहता है। चंद्रमा पृथ्वी की तुलना में कम गति से परिक्रमा करता है। चंद्रमा का कक्ष पृथ्वी की तरह हमेशा एक ही तल में रहता है। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं यही आपका, क्योंकि इसका जो सही उदाहरण ये होगा, चंद्रग्रहण हर महीने नहीं होता। इसका रीजन ये बताता हूँ तुमको आपको। जैसे यहाँ पे चंद्रग्रहण कब होता है पता है आपको? चंद्रग्रहण तब होता है जब ये जो तीनों चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी जब ये तीनों एक सिद्ध में आएंगे। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हर महीने एक ही सिद्ध में आ जाएँ, इसीलिए नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी पूछा जा रहा है, मिलियन किलोमीटर में दिया है ना, तो क्वेश्चन नंबर 105 जो सही जवाब हो जाएगा, लगभग 150 किलो मिलियन किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा 149 किलोमीटर। पृथ्वी एक अंडाकार मार्ग में सूर्य का चक्कर लगाती है एवं एक संपूर्ण परिक्रमण में समय कितना लगता है, ये पूछा जा रहा है। मतलब एक चक्कर में कितना समय लगता है? मोटी मोटा तो सबको याद रहता है कि 365 दिन लगते हैं, ये तो सबको पता रहता है मेरे मित्र, लेकिन पूरा सही से बताना है तो बताएंगे। 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और आपका कितना, और आपका ये होता है कितना, 45.51 सेकंड। यही 5-5 घंटे मिलते हैं, तो 5, 5, 10, 5, 15, 5, 4, 20 घंटे ये, और ये 4 साल के आपके लगभग 1 घंटे के आसपास, तो ये भी आपके कितने हो जाते हैं मेरे मित्र, तो ये आपके लगभग 4 घंटे मिल गए। 24 घंटा बना के 1 घंटा 1 दिन और बनाते हैं, इसीलिए आपका लीप ईयर आ जाता है 366 दिन का। अगला क्वेश्चन है कि भूकंप निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो जब भारत जो पृथ्वी की जब चट्टानें खिसकती हैं, विवर्तनिक बल के कारण होता है। ग्रीनविच मीन टाइम किस देश का मानक समय है? तो ये मेरे मित्र मानक समय कहाँ का है, तो बताएंगे यूके का है। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? ठीक है, आपको पीछे क्वेश्चन आया था, तो शुक्र आपको पता होगा, बताएंगे आप। और नक्शे और ग्लोब पर अंतर विभाजित लाइनें कौन सी हैं? तो आप बताएंगे इसका सही जवाब हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अंतर विभाजित लाइनें इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? सहारा कहाँ है? सहारा मेरे मित्र आपका अफ्रीका में। सहारा फ्री का ही तो मिलता है, याद रखेंगे। कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादन है? सबसे ज़्यादा चावल कहाँ होता है तो विश्व में? तो आप बताएंगे चीन में होता है। कहाँ पे होता है? चीन में होता है। फिर से मैच करना है, एक तरफ मरुस्थल है, एक तरफ महाद्वीप है, लिखा है मेरे मित्र, इसे आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, पूरा आ नहीं पा रहा एक बार ना। ठीक है, तो एशिया कहाँ जाएगा? एशिया जाएगा आपका, एशिया आपका जाएगा गोभी में। ठीक है, और अफ्रीका जाएगा कालाहारी में। उत्तर अमेरिका आपका जाएगा मेरे मित्र, एक मिनट, हाँ ठीक है, एशिया गोभी में, अफ्रीका आपका कालाहारी, उत्तरी अमेरिका मोजाबो, और दक्षिण अमेरिका आपका कालाहारी। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर आपका 4321 आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा सी। ठीक है, बढ़ते हैं 114 वाले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किसे देश को उगते हुए सूरज का देश कहते हैं? जापान को कहते हैं। ठीक है, बर्फ से बने घर को क्या कहते हैं? बच्चा बच्चा जानता है क्वेश्चन, आप भी जानते होंगे, इग्लू कहते हैं, जानते ही हैं। आगे लिखा है मेरे मित्र, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा को दशा के बीच सीमांकन रेखा नहीं होती है? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा मेरे मित्र, वो आपका हो जाएगा सी। सॉरी एक मिनट, क्या लिखा है? दो, अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन गलत है, यहाँ पर देश होना चाहिए, देशों, दो देशों के बीच सीमांकन रेखा नहीं होती है। देखिए, मैकमोहन होता है, डुरंड भी होता है, रेड क्लिप भी होती है, लेकिन ये कोई रेखा वेखा नहीं है भैया। तो ऑप्शन नंबर एक सही जवाब हो जाएगा। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो नाटो का मुख्यालय आप बताएंगे, नाटो का मुख्यालय आपका ब्रुसेल्स में है। ठीक है, हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा कौन सा ग्रह है? तो आपको पता है कि सबसे बड़ा जो हमारे सौरमंडल का ग्रह है वो बृहस्पति है। ठीक है, किस देश का पुराना नाम फार्मोसा था? फार्मोसा किस देश का पुराना नाम था? तो ताइवान का पुराना नाम फार्मोसा था। कौन सा पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है? तो आप बताएंगे, तारा सबसे निकट पृथ्वी के कौन है? तो आपको किसको बताएंगे? आप बताएंगे सूर्य, सूर्य सबसे निकट का तारा है। फिजी किस द्वीप में अवस्थित है? फिजी जो है, फिजी की राजधानी सुआ है। ठीक है, फिजी कहाँ के किस द्वीप में है? तो आप बताएंगे फिजी जो है मेरे मित्र, वो प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, पृथ्वी से घिरा हुआ दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र कौन है? पृथ्वी से घिरा हुआ दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र, तो आप बताएंगे कि भैया जो पृथ्वी से घिरा हुआ दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र है वो आपका है भूमध्य सागर। ठीक है, आगे लिखा है ला यूसियाना फ्रांस, तो रूस से किसका जोड़ा बनेगा? तो आप बताएंगे इसका जो जोड़ा बनेगा मेरे मित्र, वो बनेगा मास्को से। ठीक है, मास्को की राजधानी रूस। ठीक है, आगे अंतर्राष्ट्रीय नवीनकरण योग्य ऊर्जा एजेंसी ने निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व की पहली एटलस आरंभ की? तो वो हो जाएगा आपका तो 13 जनवरी 2013 को। ठीक है, ज्वार भाटा निम्नलिखित में से किसके गुरुत्वाकर्षण शक्तियों के कारण होता है? तो आपको पता है कि पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के कारण होता है मेरे मित्र, आपको ये बात भी पता है, पृथ्वी पर चंद्रमा के कारण होता है, सॉरी पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के कारण ज्वार भाटा होता है।
ग्रीन पीस किस क्षेत्र में काम करने वाला संगठन है? जो ग्रीन पीस है वो आपके पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाला संगठन है, ठीक है। अगले क्या है, UNFCCC द्वारा 26 नवंबर 8 दिसंबर 2012 को जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन का आयोजन किया गया, कहाँ पर किया गया? तो मेरे मित्र ये आप बताएंगे कहाँ पर किया गया, तो इसका जवाब आप देंगे। इसका जवाब ये पहली बात, ये करंट का क्वेश्चन है और करंट का क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, तो या तो आप इसका कमेंट कर सकते हैं या आप इसको आप स्किप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रति व्यक्ति सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश कौन है? कहाँ के लोग सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करते हैं, ठीक है, तो वो है भैया मेरे मित्र संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के। कहाँ के हैं? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के। दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में वैज्ञानिकों ने छिद्र का पता कब लगाया? तो आप ये लगाया था कब, तो बताएंगे आप लगाए थे 1984 में। निम्न देशों और उनकी राजधानियों में कौन सा युग्म गलत है? स्विट्जरलैंड जिनेवा दे रहा है, ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत है। इसकी राजधानी जो है वो बर्न है। कहाँ पे? बर्न है। ऑस्ट्रेलिया की वियना सही है, डेनमार्क कोपेनहेगन सही है, फिनलैंड हेलसिंकी बिल्कुल, ये तीनों सही है, ये पहला वाला ही गलत है। आगे लिखा है, अल नीनो के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो मेरे मित्र इसके बारे में जो कथन है वो, अल नीनो एक उपसतही गर्म जलधारा है जो पूर्वी प्रशांत महासागर से मैं पेरू के निकट चलकर पश्चिमी प्रशांत महासागर में कोरिया इंडोनेशिया हम ऑस्ट्रेलिया तक पहुँचती है, यही सत्य है और सारे गलत है। नॉर्वे का तट एक उदाहरण है। नॉर्वे का जो तट है वो कैसा है? तो वो है फ्योर्ड तट का उदाहरण है, ठीक है। यूरोप की सबसे लंबी नदी? तो बताएंगे वोल्गा है। कौन है? वोल्गा है। कौन सा एक वितलीय आग्नेय शैल का उदाहरण है? तो वो है मेरे मित्र आपका कौन? तो वो है आपका ग्रेनाइट। कौन है? ग्रेनाइट है। सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो आपको पता है वरुण है। कौन है? वरुण है। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाला जल डमरू मध्य कौन सा है? तो भैया वो है आपका पनामा जल डमरू मध्य। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो आप बताएंगे मेरे मित्र वो है आपका लियोन्स में। कहाँ है? लियोन्स में है। आगे लिखा है, ऑस्ट्रेलिया का लाफिंग जैक किसे कहते हैं? तो जो ऑस्ट्रेलिया का लाफिंग जैक है वो कूका बारा को कहते हैं। किसको? कूका बारा को कहते हैं। सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है न कि पृथ्वी, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कॉपरनिकस ने किया था इसका सिद्धांत का प्रतिपादन। गैलेना किस धातु का अयस्क है निर्मित? तो गैलेना जो है निर्मित, गैलेना जो है ये सीसा का एक उपधातु है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान? तो 7वां है, ठीक है। भूकंप की तीव्रता का मापन किसे करते हैं? आपको पता है रिएक्टर स्केल पे करते हैं। पृथ्वी पर उपलब्ध कठोरतम पदार्थ कौन है? तो सबसे कठोर है पृथ्वी पर हीरा। कौन है? हीरा। कौन सी हवाएं रोरिंग 40 फ्यूरियस शिफ्टिंग सीकिंग 60s मतलब 40वें में गर्जन 50वें में प्रचंड और 60वें में चीखना कहलाती है, मतलब बहुत ही तेज़ हवा चलती है, तो वो आपकी हवा कौन है मेरे मित्र? आप कहेंगे वो है भैया पछुआ हवा, जो अपने भारत में भी चलती है, ठीक है। कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण में अधिक समय लेता है? सबसे जो दूर रहेगा वही सबसे ज़्यादा समय लेगा, ये तो आम बात है, ठीक है। तो सही जवाब हो जाएगा बृहस्पति। आगे बढ़ते हैं, सूर्य की सतह का तापमान कितना है? लगभग 6000 के है, ठीक है, केल्विन। अराकेन योमा हिमालय का विस्तार है जो स्थित है, तो इसका विस्तार कहाँ तक है? तो आप कहेंगे भैया म्यांमार में है इसका विस्तार। आगे लिखा है, निम्नलिखित में से किसे विश्व की छत कहते हैं? तो पामीर के पठार को विश्व का छत कहते हैं। मरकोसुर का बहुपक्षीय संगठन संबंधित है? तो आप कहेंगे यूरोप से। और सबसे लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, अभी हाल ही में आया साइक्लोन फेमिन का नाम उद्गम कहाँ से हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बांग्लादेश से। कहाँ से? बांग्लादेश से। तो मेरे मित्र मेरे भाई मेरे दोस्त, इस प्रकार हमने पूरे 400 प्रश्नों की श्रृंखला को आज पूरा किया, ठीक है। अगर इस वीडियो पे आपने प्यार और अपना बिल्कुल आशीर्वाद दिखाया तो फिर से मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आपके इतिहास के प्राचीन मध्यकालीन और आपके तीनों इतिहास के जो आपकी वहाँ पे वीडियो में मैं 500 प्रश्नों की वीडियो लेकर आऊँगा इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की जो हर परीक्षा में रामबाण साबित होगी। तो चलिए मेरे मित्र आज की वीडियो में इतना आपने प्यार दिखाया, वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत आभार और वीडियो को आप शेयर करना ना भूलें, ज़रूर अपने दोस्तों के पास मित्रों के पास आप जहां भी आप ऑनलाइन आप सोशल मीडिया पर हों वहां पर ज़रूर शेयर करें, ठीक है मित्रों। फिर